इससे पहले कि मैं जरा बातों की तरफ अपने शो को गामजन करूं, मैं चाहूंगी पहले खाना पीना भी हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि रमजान हो और खाने पीने की बात ना हो। सो हमारे साथ आज मौजूद हैं शेफ सामिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। अरे यार, आप भी बड़ी बड़ी दुबली हो गई है। क्या डाइट प्लान चल रहा है सामिया? बस वही, आपको पता है, कीटो और सबको थोड़ा सा मेंटेन करते हैं ना, जरूरी है भाई। आप कैमरे के आगे हैं तो फिर। और बहुत सारा ट्रैवल पिछले एक डेढ़ दो महीने में, इतना ट्रैवल है कि बस खाना पीना भी कम मिस कर रही थी। अच्छा, वैसे ट्रैवल करने से आपको कोई नई नई रेसिपीज जो हैं वो मिलती है इधर उधर? मेरा तो ट्रैवल जब की दफा माशाल्लाह मैं इंटरनेशनल शेफ कैटेगरी के अंदर थी, तो मैं तो पूरी दुनिया की रेसिपीज को ट्राई कर रही थी, तो मुझे इतना मजा आ रहा था। वो जो इवेंट था उसको तो कर ही रहे थे, लेकिन इतनी सारी नई चीजें देखने को मिल रही थी, उसको देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सामिया, आज हमें उन सारी चीजों में के जो एक्सपीरियंसेस लेकर आई हैं, उसमें से हमें सहरी और अफ्तारी के लिए क्या आज सिखाएंगी? आज जो है, क्योंकि सबको बहुत पसंद होता है, खासतौर पे अफ्तारी के अंदर तो लोगों की डिमांड होती है कि कोई एक दो चीजें हों और हम उसी से अफ्तारी कर लें, क्योंकि ताकि हमारी तरावी है, आगे की इबादत है, वो बड़ी सुकून से काम डाउन रहे। तो आज हम बना रहे हैं पास्ता। अच्छा। और बहुत टेक्निकली बहुत डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी। और दूसरा जो है वो सहरी के लिए एक ही रेसिपी है, आप उसको बहुत अच्छा कॉफी के साथ या ग्रीन टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, शक्शुका। शक्शुका? यस। ये मैंने नाम तो सुना है, शक्शुका। और आजकल अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव नाम है। अरेबिक है क्या? अरेबिक भी, इटालियन बेसिकली रेसिपी है, मैक्सिकन फॉर्मेशन में भी बनाते हैं। कुछ लोग उसको शक्शुका भी कहते हैं, कुछ शक्शुका भी कहते हैं, कुछ शाकुला भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है। घरेलू हाउसवाइफ होगी, कहेगी शक्शुबात। शक्शुबात, दिस इज अ सुपर नेम। शक्शुबात, आज मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ? शक्शुबात। शक्शुबात। और उससे भी देसी कर ले, अंडे अंडे बना रहे हैं टमाटर की प्यूरी के ऊपर। फिर तो कोई खाला खैरून होंगी, वो यही कहेंगे आज हम अंडा घोटाला बना, जैसे पिज्जा की नहीं कहते क्या, सालन रोटी के ऊपर सालन लगा के दे दी थोड़ी सी चीज फॉर्मेशन के साथ। अगर मैं, क्योंकि आज मैं ये कह रही हूँ ना कि हम पुरानी बातें जो है बड़ा गौर से सुनते हैं, मेरे अब्बा जो है ना, मुझे उनसे मेरी एक बड़ा झगड़ा रहता था, क्योंकि जब भी हम रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर रहे थे तो कि हम यहाँ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो मैं हमेशा कहती थी पापा पिज्जा खाना है। पापा इतना, कोई मेरे अब्बू इतना नाराज होते थे, क्या तुम रोटी के ऊपर वो सालन रख के सालन रख के खा रहे? तो ये बहुत सारे अम्मा अब्बा कभी कभार जो है ना, वो बच्चों के साथ नहीं जा रहे होते। बल्कि कुछ लोग चाइनीज खाते हैं और पिज्जा खाते, हमारे तो पेट भर जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कहते खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए, अब तुम कब खाना आएगा, खाना कब आएगा। एक माँ इतनी मेहनत से यूट्यूब से रेसिपीज देख देख के बड़े मजे मजे के खाने बनाए, लेकिन जो नान और सालन और रोटी और बिरयानी और ये हमारे देसी खाने ना आए ना, तो तब तक हमारे जो बड़े हैं उनका पेट नहीं भरता। हम लोगों का भी नहीं भरता, ज्यादा ट्रैवल करें तो आपको मिस करने लगते हैं, आपको आलू क्रेविंग होती है कि बिरयानी की, पुलाव की, शामी कबाब की, ये बड़ी क्रेविंग होती है कि हमारे फेस्टिव है, हमारे ट्रेडिशनल फूड है, हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं, जो कि मुझे लगता है हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हंसी आ रही थी, मैं भी ऐसी सर्च करी थी इंस्टा पे, तो मैंने देखा वहाँ सज्जल अली बिरयानी खा रही और चटकारे ले रही है, वहाँ मायरा खान बिरयानी, मतलब पूरी दुनिया घूमने वाले लोग, लेकिन इनको वो ही मजा आता है अपनी मिट्टी के खाने का, मिट्टी के खाने का। वो वाकई में बना भी घर पे हो और आप खुद बनाए, आपकी अम्मी बनाए, तो आपको आपकी खाला बनाए, तो कुछ ऐसी रेसिपीज हैं, देखिए आप ईद पे, जैसे कि आप ईद होगी तो लोगों को होता है हमारी फलानी फूफी इतना अच्छा खाना बनाती, फलानी खाला के घर पे ये ट्रेडिशनल रेसिपी होगी, तो वो फ्लेवर्स हैं जो शायद हमें, हम उससे अच्छा खाएंगे, लेकिन हमें वो फ्लेवर हमेशा याद रहेगा। भी देखो, चाहे यूट्यूब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, क्या क्या रेसिपीज आपको मिल जाती है, लेकिन ईद पर वही ट्रेडिशनल खाने होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रिवायत है, पंजाबियों के यहाँ पुलाव, तो किसी और जगह बिरयानी, बिरयानी तो कहीं वो क्या कहते हैं, शीर किशमिश वाले, किशमिश शीर कोरमा तो है ही है, तो काबुली पुलाव। हाँ, काबुली पुलाव, उसके अंदर जो है वो पूरी कचरी का कीमा, कचरी का कीमा और दम का कीमा, अचार गोश्त, और बस क्या पगली, क्या क्या खाने याद दिला दिए। खैर, ये तो हुई खाने की बात।